गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12A होम साइंस। आज बच्चों हम लोग भोजन के पोषक तत्व पढ़ेंगे। हम लोग भोजन क्यों करते हैं, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। भोजन में पाए जाने वाले तत्व जो हैं वो हमारे शरीर का पोषण करते हैं और जिन्हें हम भोजन के पोषक तत्व कहते हैं। और ये पोषक तत्व हमें कैसे मिलते हैं, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, पनीर, घी, अंडा, मांस, मछली तथा विभिन्न प्रकार के अनाज, शाक, सब्जी और फल आदि से प्राप्त होते हैं। इनका यदि नियमित रूप से प्रयोग ना किया जाए तो शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भोजन हमारी भूख को शांत ही नहीं करता बल्कि शरीर का पोषण भी करता है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भी करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। आहार एवं पोषण विज्ञान के अनुसार शरीर में के लिए 6 पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं। ये पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल, ये हमारे 6 पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा तथा अन्य आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए एक प्रति व्यक्ति के लिए एक निश्चित मात्रा प्रतिदिन की अनिवार्य या निर्धारित होती है। भोजन की आवश्यकता तथा महत्व। अब भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है, उसका हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। तो पहला है ऊर्जा की आपूर्ति। भोजन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम भोजन करते हैं क्यों, ताकि हमारी कार्य क्षमता बनी रहे। भोजन के उपरांत हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, तो इस तरीके से ऊर्जा की आपूर्ति हमारे भोजन के द्वारा होती है। दूसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। हमारे शरीर में कोशिकाओं तथा अन्य कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है, तो उसकी मरम्मत जो है ये इन्हीं पोषक तत्वों द्वारा होती है। शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि जैसे छोटा बच्चा विकास करते करते युवा हो जाता है, तो इस तरीके से उसके शरीर का विकास होता है। तो शरीर के विकास के लिए उसको पोषक तत्व की ही आवश्यकता होती है। और शरीर की रोगों से रक्षा, हम स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें, इसके लिए हम अच्छे से कार्य करें, इसके लिए हमको स्वस्थ और निरोग रहना आवश्यक है। तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कैसे हो, ये अच्छे भोजन के द्वारा यानी संतुलित आहार या पूर्ण आहार पोषक तत्वों के द्वारा ही संभव है। तो पहला है ऊर्जा की आपूर्ति। सामान्यतः ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को ग्लूकोज के रूप में प्रयोग में आता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता होती है वो तो प्रयोग में लाई जाती है, उसके अलावा अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर में संचित कर ली जाती है। और वसा एक पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। तो ये तो हो गया ऊर्जा की आपूर्ति कि हमारे शरीर को ऊर्जा कार्य करने के लिए कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, और आवश्यकता पड़ने पे वसा भी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत। टूट फूट जो कोशिकाएं टूटती हैं तो उनकी मरम्मत के लिए शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व है प्रोटीन, लवण आदि। प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की मरम्मत इन्हीं के द्वारा होती है। आवश्यक विटामिन, लवण आदि शरीर में होने वाली मरम्मत की क्रियाओं को समन्वित तथा
प्रेरित करने का कार्य करता है। फिर है शरीर की वृद्धि। अब है शरीर की वृद्धि कैसे होती है। पचे हुए भोज्य पदार्थ जीव द्रव्य के द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं, मतलब अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो हमारे शरीर में जीव द्रव्य है वो उनको ले लेता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य के द्वारा आत्मसात कर लेना स्वांगीकरण कहलाता है। जीव द्रव्य की इस प्रकार जो ये पोषक तत्वों को आत्मसात कर लेता है तो जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और परिणाम स्वरूप जीवधारी की में वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब है रोगों से रक्षा। शरीर की रोगों से कैसे रक्षा, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी, हम अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे और प्रत्येक कार्य में अच्छा सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम अच्छा योगदान अपना दे सकते हैं यदि हम स्वस्थ रहें। संतुलित भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है और ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण और विटामिन ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अब हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो पोषक तत्व के वर्गीकरण के अंतर्गत ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कौन, हम भोजन के द्वारा किस तत्व से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर निर्माणकारी तत्व, किसके द्वारा हमारे शरीर की टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है और शरीर का विकास होता है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व, हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है, ये हो गया प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। इस प्रकार से पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो पहला हो गया ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, प्रमुखता कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत खाद्यान्न जैसे गेहूं और चावल, आलू, चीनी, इनके द्वारा हमें, इनके सेवन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार वसा द्वारा जैसे घी है, मक्खन है, इनके सेवन से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। निर्माणकारी तत्व, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, जो हमारे शरीर में टूट फूट होती कोशिकाओं की, उनकी मरम्मत तथा जीव द्रव्य के निर्माण करने वाले तत्व, इसमें प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल प्रमुख हैं। इनके प्राप्ति के स्रोत क्या है, प्रोटीन हमें किन तत्वों से प्राप्त होता है, किस खाद्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त होता है, वो है दूध, मछली, मटन, अंडा, दाल, सोयाबीन, चना आदि, ये हैं निर्माणकारी तत्वों में सहायक होते हैं। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व, रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति विकसित करने वाले तत्व। अब रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति, जैसे मान लो किसी को अगर किसी बच्चे को निमोनिया हो गया है या उसको चेचक हो गई है, तो क्यों हुई, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो गई है, जिसके कारण उसके शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश कर गया और वो अपने रोग के लक्षण को प्रकट करने लगा, जिससे वो रोगग्रस्त हो गया। और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व हमने अभी बताया था कि विटामिन और खनिज लवण होते हैं। विटामिन और खनिज लवण किस में पाए जाते हैं,
जैसे हरी शाक सब्जी है, फल है, इन सब खाद्य पदार्थों में या और जैसे फलियों वाली सब्जी है और हरी पत्तेदार सब्जी है, पत्ता गोभी है, इन सब में रोग प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। अब हम लोग 6 पोषक तत्वों में पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। इसका घटक जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब इनके संगठन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन प्राप्त करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर जब सरल रूप में पहुंचता है तो वो ग्लूकोज की अवस्था में होता है। ग्लूकोज जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही संयोग है, जिसमें C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। इस रूप में ग्लूकोज जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। ये मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए। कार्बोहाइड्रेट हमें कैसे प्राप्त होता है? वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं, ये ग्लूकोज तथा स्टार्च हैं। ग्लूकोज जैसे हम शर्करा है और गन्ना है, गुड़ है, इन सब चीज़ों से प्राप्त करते हैं। ग्लूकोन डी वगैरह है, इससे हमें ग्लूकोज मिलता है। और स्टार्च के रूप में जैसे कंद है और खाद्यान्न है, इन सब से हमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। खाद्यान्न कंद मूल स्टार्च के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें हम तुरंत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट द्वारा निर्माण हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसको कहते हैं। इसके द्वारा भोजन का निर्माण पेड़ पौधे करते हैं। और इसके बाद ग्लूकोज का निर्माण, इसी के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पका हुआ स्टार्च सरलता से पच जाता है और पूर्ण रूप से ग्लूकोज में बदल जाता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज लें तो उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा होता है अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। के 2 प्रकार हैं। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट ये शर्करा के रूप में होता है। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट ये मंड या स्टार्च के रूप में होता है। इन्हें सामान्य भाषा में शर्करा कहते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गन्ना, चुकंदर, मीठे फल आदि में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट दूसरा है। इन्हें सामान्य भाषा में हम मंड कहते हैं और ये अघुलनशील होता है। ये चावल, गेहूं, आलू, मक्का, जौ आदि में मंड के रूप में पाया जाता है। ग्लाइकोजन, सेल्युलोस, काइटिन आदि अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट का महत्व, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है? ये पेट भरने के लिए या भूख को शांत करने के लिए इसका हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान है। ये भोज्य पदार्थ सरलता से सर्वत्र उपलब्ध हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार सरलता से हर जगह उपलब्ध हो जाता है। ये हमारी भूख को शांत करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। दूसरा है, शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना। ये क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न कार्य के लिए हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है।
और आवश्यकता से अधिक यदि हमने कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार का सेवन कर लिया है तो वो हमारे यकृत की रेखित पेशियों में संचित हो जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत में जाकर ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है और ये जंतु स्टार्च ईंधन का काम करते हैं। आवश्यकता बढ़ने पर ये फिर से ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा ऊतक में बदलकर संचित का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वसा ऊतक में बदल जाता है और शरीर में संचित हो जाता है। हमारी त्वचा के नीचे जो पेशियां पाई जाती हैं उसमें फैट होता है, वो फैट के रूप में हमारे शरीर में ये वसा ऊतक के रूप में संचित हो जाता है। लैक्टोज शर्करा शरीर में कैल्शियम शोषण में सहायक होती है। जो कार्बोहाइड्रेट की लैक्टोज शर्करा होती है वो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है।